आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्भवती महिलाओं को ठंड के मौसम में अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए, किन चीज़ों को खाना चाहिए, किन चीज़ों को लगाना चाहिए, किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और सर्दी में अपने आप को राहत दिलाना चाहिए, क्योंकि इस समय गर्भवती महिलाओं को सर्दी, जुकाम, फ्लू होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से वो दवाई भी नहीं ले सकती क्योंकि ये उनके लिए अच्छा नहीं होता, उनके बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता। तो कोशिश करें कि आप बीमार ही ना पड़े और इस तरह की दवाइयाँ लेने की आपको ज़रूरत ही ना पड़े। बहुत बार तो शरीर में दर्द भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहला है, खुद को हाइड्रेट रखें। आपको काफ़ी ज़्यादा पानी पीना है। इस समय लोग क्या करते हैं, पानी ही कम पीते हैं, सोचते हैं बार बार वॉशरूम जाने का चक्कर कौन लेगा, पानी ही कम पियो और टेंशन फ्री रहो। लेकिन आप बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। इस समय आपको पानी काफ़ी ज़्यादा पीना है क्योंकि ये आपके लिए दवा का काम करता है। तो आपको पानी काफ़ी ज़्यादा पीना है, खुद को हाइड्रेट रखना है, और अगर आप पानी कम पिएंगी तो फ्लूइड कम बनेगा और इसकी वजह से प्री मैच्योर डिलीवरी का खतरा हो जाएगा, यानी जन्म से पहले ही बच्चे की डिलीवरी हो सकती है। तो आप ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी, तो इसलिए कोशिश करें कि आप पानी को अच्छी मात्रा में पिए, खुद को हाइड्रेट रखें। आप चाहें तो इसकी जगह फलों का जूस भी ले सकते हैं, बट आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा, हल्का गुनगुना पानी आप पी सकते हैं, यानी बहुत गर्म नहीं पीना है लेकिन आप बहुत ठंडा नहीं पीना है। कोशिश करें कि थोड़ा गुनगुना पानी आप पिए और खुद को हाइड्रेट रखने में कोई कमी ना छोड़े। अगला उपाय है, आपको क्रीम और लोशन लगाते रहना है। होता क्या है कि ठंडी और शुष्क हवा से जो आपका शरीर है वो काफ़ी ज़्यादा जो है सख्त हो जाता है, और इसकी वजह से आपको स्ट्रेच मार्क्स भी आ सकते हैं। स्ट्रेच मार्क्स तो वैसे भी आपको गर्मियों में भी आएंगे, लेकिन ठंडियों में ऐसा है कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो वो स्ट्रेच मार्क्स थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि आपकी त्वचा शुष्क रहती है और इस समय जो काफ़ी ज़्यादा खिंचाव होने की वजह से स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा पड़ जाते हैं। तो आपको इस समय ध्यान क्या देना है, आपको या तो क्रीम लगाना है, लोशन लगाना है, या फिर अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है किसी कारण से, या फिर खत्म हो गया, नहीं लगा पा रही है, कुछ भी ध्यान नहीं दे पा रही है, तो नारियल का तेल जरूर लगाएं और कोशिश करें कि इसे कुछ कुछ घंटे पे लगाते रहें। ऐसा नहीं कि आपने सुबह लगा लिया, शाम लगा लिया, बेफिक्र हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको कोशिश करना है, आप उनको सुबह लगाना है, फिर दो घंटे के बाद आपको लगाना है, मतलब अपनी त्वचा को आपको ऐसे नहीं रहने देना है, आपको अपनी त्वचा को एकदम नमी बनाए रखनी है, यानी कि आपको थोड़ा थोड़ा ऑयल आपके पेट पर होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। आपको हर थोड़े थोड़े देर पर नारियल तेल या लोशन या क्रीम जो भी आप लगाती हैं वो आपको लगाते रहना है, और अपने पेट को एकदम सूखा नहीं छोड़ना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आप ऐसा छोड़ती भी हैं तो इससे आपको दर्द भी महसूस हो सकता है, यानी खिंचाव बहुत ज़्यादा होगा तो दर्द भी हो सकता है। बहुत लोगों को दर्द नहीं होता लेकिन स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा पड़ेंगे, तो ध्यान रखना है आपको कि स्ट्रेच मार्क्स अगर आप नहीं चाहती हैं तो आपको लोशन, नारियल का तेल, कुछ भी लगाते रहना पड़ेगा। अगली टिप से, आपको पैरों को हमेशा गर्म रखना है। ध्यान रखना है कि आप मोजे पहन कर रखें या फिर गर्म पानी में अपने पैरों को भिगो कर रखें, और मतलब गर्म पानी में भिगोना है, इसके बाद आपको अच्छे से पोंछ कर मोजा पहन लेना है, क्योंकि होता क्या है, ठंड में शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो सकता है, जिसकी वजह से त्वचा की छोटी रक्त वाहिकाओं में सूजन आ सकती है। इसके अलावा हाथ और पैरों पर खुजली, लाल चकत्ते और सूजन या फिर दाने भी निकल सकते हैं, इसलिए इस समय आपको अपने पैरों और हाथों का ध्यान जरूर रखना है, खुले नहीं रखना है, गर्म रखना है। अब बात कर लेते हैं आखिर आपको ठंड में क्या खाना चाहिए। ठंड में जितने भी फल निकलते हैं वो आपको अंदर से गर्माहट देंगे और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी होते हैं। इनमें से ही एक है आंवला। आपको आंवला को भी अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। इस समय अगर आप आंवला खाती हैं तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। आपके उल्टी मतली को भी रोकेगा और आपके इम्यून सिस्टम को भी काफ़ी मजबूत करेगा, जो आपके बच्चे के विकास के लिए और आपकी डिलीवरी के बाद और डिलीवरी के समय दोनों में आपकी हेल्प करेगा। तो आप कोशिश करें अपनी डाइट में आंवला, पालक और जितनी चीज़ें आपको यहाँ पर मौसमी दिख रही हैं और जितने भी फल ठंड के मौसम में मौसमी फल निकलते हैं वो सारी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल जरूर करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, और जितने सवाल आपके मन में है कमेंट बॉक्स में लिख दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।